अभी हम जा रहे हैं न्यू बसोली वाली साइड, ये ओनर है। ये कितना ही प्यारा व्यू आएगा, ये देखिए वैष्णो देवी की पहाड़ियाँ। गाइस ये विद्यांचल हॉस्टल है, तो आप ये लाइट ये देखो। हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट व्लॉग। आज मतलब कि काफी टाइम हो गया व्लॉग डाले हुए, तो कम से कम 2 हफ्ते हो गए हैं व्लॉग डाले हुए। तो अब हमारा जो इस बारे का टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्पेशली जो बच्चे अब आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, बेसिकली जो जूनियर वगैरह जितने आएंगे उनके लिए व्लॉग का बनाया है हमने कंटेंट। तो हम करेंगे आज हॉस्टल की रिव्यू करेंगे, हॉस्टल बताएंगे आपको कि टोटल बॉयज़ के कितने हॉस्टल हैं। गर्ल्स का तो वैसे हम कर सकते नहीं है, तो बॉयज़ का करेंगे। नहीं कर सकते आप, स्पेशल डिमांड दीजिए। स्पेशल डिमांड हम कर सकते हैं अगर आप कमेंट्स वगैरह करोगे, बताओगे। तो गाइस बेसिकली यहाँ पर ना 6 हॉस्टल्स हैं बॉयज़ के और गर्ल्स के हैं, 2 मेन 2 हॉस्टल हैं गर्ल्स के और बॉयज़ के 6 हैं। उन 6 में आते हैं, पहला आता है ओल्ड बसोली, न्यू बसोली, नीलगिरी, त्रिकुटा, कैलाश और अपना विद्यांचल। तो आपको मैं यहाँ पर दिखा दूंगा यहाँ पर कि कितने हॉस्टल का कैसे कैसे हॉस्टल की एंट्रेंस कैसी है। तो आपको मैं उनका हॉस्टल रूम टूर दूंगा कि हर हॉस्टल में कैसे कैसे मिलता है और किस किस ईयर को कौन सा हॉस्टल मिलता है, वो सब मैं आपको इन डिटेल बता दूंगा। तो जो फर्स्ट ईयर के होते हैं बेसिकली जो आते हैं नए स्टूडेंट्स, उनको वो देते हैं बसोली। क्यों? क्योंकि वो हॉस्टल बिल्कुल ही कैसा हॉस्टल है, वो प्रथम 5 स्टार हॉस्टल एकदम, वो आपको दिखाएगा कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। हाँ जी, पर जब आप विद्यांचल या नीलगिरी आएंगे फिर पता चलेगा आपको रियलिटी। धीरे धीरे जैसे जैसे ईयर बढ़ते जाएंगे आपके एक्सपीरियंस और वर्स्ट होता जाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिग्रेड होती जाएगी। खान तो वैसे ऑल अराउंड कांस्टेंट ही है खराब, आपसे सैटरडे संडे का वेट करोगे घर जाने का, आप जहां चाहो वहां मुंह मार सकते हो। तो मतलब कि स्टार्टिंग में आपको मतलब कि फर्स्ट ईयर वालों को मिलता है बसोली, उसके बाद फिर डिपेंडिंग अपॉन दी ब्रांचेस या ब्रांच या डिपार्टमेंट आपको अलग अलग हॉस्टल मिल जाते हैं। पर जो हमारा कोविड के टाइम क्या हुआ था कि हमें एज ए पूरे जैसे फोर्थ ईयर था तो पूरे फोर्थ ईयर को एक ही हॉस्टल मिल गया था, पर एज ए अब आप आओगे तो आपको ब्रांच वाइज डिवाइड कर देंगे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, वो आपको फ्यूचर में चलेगा, पर बेसिकली आपको पहला मिलता है बसोली हॉस्टल। आई तब मैं इस पार्ट में बताऊँगा आपको कि कैसे कैसे हॉस्टल हैं, कितने कितने टाइप के हॉस्टल हैं। मैं अब आपको बाय उनके रूम टूर कैसा वहाँ का मतलब कि कैसा इन्वायरमेंट, कैसा मतलब कि कैसा स्ट्रक्चर वगैरह कैसा है, वो आपको फुल इन डिटेल बताऊँगा अगले वाले पार्ट में। तो गाइस ये विद्यांचल है, तो आप विद्यांचल बॉयज हॉस्टल है तो आप देख ही सकते हैं लाइट तो यहाँ पर होगी नहीं। तो ये अभी हम एंटर कर रहे हैं रूम में, तो ये है रूम विद्यांचल का, आपको मैं दिखाता हूँ। ये विद्यांचल का रूम है और ये मतलब कि इसी का रूम सबसे साफ था तो हम इसी का रूम दिखा रहे हैं। तो ये पूरा रूम टूर दिखाते हैं आपको। यहाँ पर एक शेल्फ मिलती है आपको जहाँ पर आप सामान वगैरह रख सकते हो। तो आपको बेड मिल जाता है, ये बेड है। तो यहाँ पर एक चेयर है जिसमें सामान रखा हुआ है और बाकी ये अलमीरा है, इस अलमीरा में आप सामान वगैरह स्टोर कर सकते हो थोड़ा बहुत। और बाकी यहाँ पर एक विंडो मिलती है और विद्यांचल का रूम इतना खास नहीं है, बस एक टेबल वगैरह, टेबल चेयर और आपको चेयर्स वगैरह मिल जाती हैं और इतना ही है रूम में इसके, विद्यांचल के रूम में। और सेम हम कह सकते हैं कि विद्यांचल का रूम और नीलगिरी का जो रूम है वो बिल्कुल सेम है। अलमीरा के अंदर दिखाते हैं कि क्या क्या सामान आप रख सकते हो। तो अलमीरा में आपको मतलब कि एक यहाँ पर आपको लटकाने की चीज़ लग जाएगी जहाँ पर आप हैंगर मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पर 2 शेल्फ आ जाती हैं और नीचे थोड़ा सा कंपार्टमेंट मिल जाते हैं 2 को जहाँ सामान रख सकते हो, टोटल 3 शेल्फ। और यहाँ पर आप कोई अपनी कोई रखना हो बैग वगैरह, हाँ सूटकेस वगैरह रखने हो तो आप वहाँ पर रख सकते हो। मैं पहले 360 दिखाता हूँ, ये पूरा रूम टूर आ गया आपको 360 डिग्री। तो बस विद्यांचल में इतना ही है, तो आपको नीलगिरी का जो है वो भी बिल्कुल सेम ही मिलेगा। तो अभी आपको हम बाकी दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं त्रिकुटा और कैलाश हॉस्टल के सामने, तो आपको दिखा दें ये अपना आता है, ये कौन सा हॉस्टल है? ये कैलाश है, कैलाश है, साइड कैलाश है, लेफ्ट साइड ये त्रिकुटा है। तो ये अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर, तो आपको दिखाते हैं। दोनों के भी रूम बेसिकली सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, इसका रूम और इसके रूम में कोई फ़र्क नहीं है। तो आपको हम एक रूम टूर दिखा देंगे। तो ये त्रिकुटा हॉस्टल है, तो अभी हम इधर एंटर हो गए हैं। तो ये त्रिकुटा हॉस्टल की बालकनी है, तो ये आपका आता है टॉप व्यू। तो अभी हम जाते हैं रूम में, तो आपको रूम का दिखाते हैं। तो ये है रूम त्रिकुटा के, आपको दिखा सकते हैं। ये यहाँ पर एक आपको मिल जाता है बेड, मिल जाता है जो मतलब कि सीमेंटेड बेड है, कोई मतलब कि वुडन बेड नहीं मिलेगा आपको। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आपको अलमीरा मिल जाती है स्टील की और सेम शेल्फ है यहाँ पर, सेम टेबल है और सेम चेयर है। बस एडिशनल चीज़ है कि मतलब कि आपको बालकनी मिल जाती है, मतलब कि आप बालकनी देखिए, आप यहाँ से बाहर जाओगे तो आपको मतलब कि यहाँ बालकनी मिल जाएगी। यहाँ से हम जब आए थे इस जगह से आए थे तो ये बालकनी मिल जाती है। मतलब कि आपको मतलब कि बाकी हॉस्टल्स में ये चीज़ नहीं अवेलेबल है, सिर्फ त्रिकुटा और कैलाश के जो हॉस्टल हैं वहाँ पर ही आपको ये बालकनी अवेलेबल है। और प्लस एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर आपको जो टॉयलेट्स हैं वो मिलेंगी हिंदी इंग्लिश नहीं मिलती एज़ कम्पेयर टू बाकी हॉस्टल से। तो बस एक यही यहाँ का ड्रॉबैक है, बाकी यहाँ पर सब कुछ बेस्ट है। मतलब कि ये आपको मिलेगी बालकनी और ये आपको रूम टूर दे देता हूँ मैं फिर से। ये आपको मिल जाता है रूम, ये आपको रूम टूर,
ये अलमीरा है इसकी, मतलब की जो आपको अलमीरा मिलेगी वो इस तरह की मिलेगी, मतलब की आपको ये स्टील की अलमीरा मिलेगी जिसमें तीन ही सेक्शन है और ये अलमीरा सिर्फ इतनी ही है। मतलब की आप यहाँ पर हैंगर लगा सकते हो, यहाँ पर दो शेल्फ हैं और एक अपर शेल्फ है और उसके ऊपर आप मतलब की अपना सामान रखना हो, एडिशनल सामान वो रख सकते हो। यदि हम अभी घुस रहे हैं अपने ओल्ड बसोली में, तो यहाँ की एंट्रेंस है ये, तो अभी हम यहाँ से एंटर होते हैं। तो ये आपका है ओल्ड बसोली, देख सकते हो आप ये ओल्ड बसोली। तो ये हम एंटर हो गए हैं ओल्ड बसोली के कॉरिडोर्स में। ओल्ड बसोली और न्यू बसोली एक तरह से कनेक्टेड ही है, यहाँ से इसके थ्रू कनेक्टेड है ओल्ड बसोली न्यू बसोली, और ये ओल्ड बसोली की कॉरिडोर है। तो गाइस हम ये अभी एंटर हो रहे हैं ओल्ड बसोली के रूम नंबर E109 में। तो ये रूम है ओल्ड बसोली का, तो ये है रूम ओल्ड बसोली का। ये आप देख सकते हो मतलब कि सबसे बेस्ट रूम है ओल्ड बसोली का, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी मतलब कि आपको यहाँ पर फुल फ्लैश्ड एक कपबोर्ड मिल जाता है जिसमें आप सामान रख सकते हो, यहाँ पर बेड भी आपको वुड मिल जाता है, साथ में टेबल और चेयर होती है, साथ में अलमीरा आपको मतलब कि इनबिल्ड मिलती है जिसमें दो अलमीरा है, एक ऊपर रखने के लिए अलग सामान और एक यहाँ पर, और ये मतलब कि काफ़ी बड़ा रूम होता है, मतलब कि इसका स्पेशियस रूम है, और ये यहाँ पर आप चेयर वगैरह रख सकते हो, और ये रूम आ गया। तो ये कपड़ वगैरह, तो आपको कपड़ दिखाता हूँ, कपड़ में मतलब कि आपको ये सेक्शन तीन चार सेक्शन मिल जाती है और ऊपर अलग से रखने के लिए, और आपको यहाँ पर हैंगर मिलता है जो मतलब कि बाकी किसी हॉस्टल में अवेलेबल नहीं है, हैंगर भी है यहाँ पर। ये है ओल्ड बसोली की अलमीरा, मतलब ये भी स्टील की अलमीरा पर ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की अलमीरा है। यहाँ पर आपको एक ये सेक्शन मिल जाएगा, एक हैंगर बिल सेक्शन, और यहाँ पर तीन सेक्शन मिलेंगी, जैसे कि आपको त्रिकोण ग्लास में से दो एक मिलती थी, यहाँ तीन है, यहाँ पर आप अगर रख सकते हो। यहाँ पर आपको लॉकर मिल जाता है, नीचे शूज़ और एक एडिशनल नीचे शूज़ रखने के कंपार्टमेंट मिला हुआ है, और साथ में ऊपर मिल जाता है फुल फ्लैश, यहाँ पर आप सामान रख के उसको लॉक कर सकते हो। अच्छा हॉस्टल है एज ए स्टूडेंट परस्पेक्टिव, तो ये हॉस्टल है पूरा। तो ये है न्यू बसोली, जो मतलब कि ओल्ड बसोली, ये हमारा ओल्ड बसोली का एंट्रेंस जो मतलब कनेक्ट करता है उसको, और ये न्यू बसोली की एंट्रेंस। अभी हम जाते हैं रूम में, तो आपको दिखाते हैं। ये है न्यू बसोली जो मतलब कि अभी नया ही बना, ये इसका मतलब कि अंदर का आप दिखाते हैं, और वो है उसकी एंट्रेंस वहाँ पर, वहाँ से मतलब कि नॉर्मली जो दिन स्टार्ट होता है वहाँ से होता है, हम अभी बैक साइड से आए हैं। तो ये है हमारा हॉस्टल जो हमारा फर्स्ट ईयर में, जो मतलब कि मैक्सिमम बच्चों को क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट ईयर में कौन सा हॉस्टल होता है, तो ये हॉस्टल मिलता है आपको। यहाँ पर दो आपको मतलब कि मिल जाती हैं टेनिस को, ये बैडमिंटन कोर्ट। तो अभी हम जाते हैं आपको रूम में, और ये मैस है यहाँ की, यहाँ पर मैस है आपकी, काफ़ी बड़ी मैस है, और यहाँ से हम जाते हैं अभी रूम। गाइस न्यू बसोली की एक फीचर ये भी अच्छा, सबसे अच्छा कि यहाँ पर आपको मिलती हैं लिफ्ट्स, जो मतलब कि चलती नहीं है पर अवेलेबल हैं यहाँ पर, मतलब कि ये चलाते तभी जब कोई पेरेंट्स मीटिंग हो या कुछ हो तभी अवेलेबल है। और ये है इनका कॉरिडोर, ये एक ये कॉरिडोर है, और ये कॉरिडोर और ये फ्लोर है, ये दिखाते हैं आपको ये, और ये हॉस्टल है। एक यहाँ पर भी कोड मिलता है आपको, और एक ही कोड यहाँ पर मिलता है आपको, और यहाँ पर लिफ्ट्स अवेलेबल हैं जो किसी हॉस्टल में नहीं है, तभी ये फर्स्ट ईयर को दिया जाता है। गाइस हम अभी न्यू बसोली के रूम में एंटर हो रहे हैं, तो ये है रूम न्यू बसोली का, मतलब ये सबसे बड़ा रूम कहते हैं अभी हम, सबसे बड़ा रूम है ये, और ये अभी रूम है ये फुल, मतलब कि यहाँ पर एक बेड पड़ा है स्टील का, और यहाँ पर एक बेड है, साथ में आपको मतलब कि पूरी मॉड्यूलर आपको मिल जाएगी, और डेस्क चेयर भी अच्छी है, और अलमीरा सबसे बड़ी अलमीरा यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैमरे में आपको दिख सकती है, बहुत बड़ी अलमीरा ये, मतलब कि एक पर्सन के लिए आपको दो दो अलमीरा मिली हैं, साथ में ऊपर अलग से रखने को। तो आप अभी आपको अलमीरा भी दिखाते हैं, ये अभी आपको सिर्फ एक अलमीरा खोल कर दिखाता हूँ, ये एक अलमीरा जिसमें आपको से मिलता है सेफ, साथ में यहाँ पर दो कंपार्टमेंट ऊपर हैं और तीन नीचे हैं, मतलब कि काफ़ी स्पेशियस है, और साथ में एक और मिलेगा आपको जो सेम ऐसा, और यहाँ पर एक कंपार्टमेंट यहाँ हैंगर मिल जाएंगे, और आपको तीन कपड़े। तो ये मतलब कि एक पर्सन की अलमीरा पूरी, साथ में अभी आपको ऊपर भी शेल्फ मिलेंगे, यहाँ पर अपना जो जितने भी सेफ मतलब कि जो भी कंबल वगैरह कुछ भी रखना आपको, जो मतलब कि काम ज़्यादा काम ना आता है वो आप ऊपर रख सकते हो। और ये दूसरे पर्सन का है जो मतलब कि यहाँ पर जो मतलब कि साथ का रहा है रूममेट उसका है, और ये है कि आपको जो बसोली है वहाँ पर आपको रूममेट मतलब कि डबल लेट पर एक रूम मिलेगा, सिंगल लेट पर नहीं मिलता। तो गाइज मैंने आपको पूरा हॉस्टल टूर दे दिया जितने हॉस्टल हैं बॉयज़ के, अगर गर्ल्स का अगर का हॉस्टल टूर वगैरह का अगर आप करते हो कमेंट वगैरह, तो हम वो भी कोशिश करेंगे किसी के थ्रू करवाने की, पर बॉयज़ की जितना हमसे हो सका कवर है वो सब कर दिया हमने। तो आज की वीडियो में इतना ही, लाइक करो शेयर करो इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, और अगर कोई भी आपको डाउट होता है रिलेटेड हो ऐसा वीडियो या कोई भी पर्सनल लाइफ है कुछ कुछ भी है, आप इसे फील फ्री टू कमेंट डाउन। तो बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू।